नए व्लॉग में। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, और हम बहुत ज़्यादा व्यस्त ही हैं अपने कामों में आपकी तरह। देखिए सारे कमरों में ऐसी सारा फैला हुआ है, इधर भी सामान उधर भी सामान, अभी सब भरा है हमने जैसे जैसे करके। ये बेड था हमारा, बेड के अंदर सामान भरा, अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल सामान है। और एक कमरा हमारा इधर है, इधर भी सामान भरा ही पड़ा है, इधर तब भी कम है। यहाँ पे एक ड्रोन और यहाँ पे सारा वो है बेडरूम, बेड पे अभी कुछ रहेंगे। और इधर इधर भी दो, एक अलमारी इधर है, एक अलमारी उधर है, सारा सामान है। क्या हुआ दी? खिलौना। देखिए आदि काम नहीं कर रहा है, यहाँ खिलौनों से खेल रहा है ऐसे ही है, सुबह से खिलौनों से खेल के बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ कर ही रहा है। और इधर किचन में मम्मी चाय बना रही है हम सबके लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी फ्रेंड्स मतलब 10 बजने वाले हैं और अभी हम सुबह से लगे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या रखे, कहाँ क्या ना रखे, मतलब बाल भी ऐसे, मतलब ऐसे उनकी हालत भी ऐसी। तो मैंने सोचा चले चिकन पे चाय बना लेती हूँ, दूध चाय ब्रेड रखा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे सेक लेती हूँ। अभी किचन का सामान भी हमसे सेट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मुझे समझ नहीं आता ना क्या करें कहाँ बंद करें, शुरू से खत्म करना पड़ता है, कहाँ से शुरू करें कहाँ से खत्म करें, कुछ समझ नहीं आता। चलिए हम भी करते हैं और आप भी करिए, हमारा काम आज बहुत ज़्यादा है तो हम पूरे दिन भर व्यस्त ही रहने वाले हैं, और चाहते हैं कि हमें जल्दी से काम निपट जाए और हम आराम से आराम कर सकें। तो चलिए मिलते हैं। हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, हल्का बहुत ब्रेड खाए थे और चाय पी थी। और देखिए इधर, ये देखिए हाथ नहीं करूंगी मैं ऊपर, देर से क्या डरना। और अभी कल ना लेट हो गए थे हम, तो दादाजी ने बोला कि दादाजी मीन्स कल सुबह आ जाएंगे, क्योंकि लेट हो गए थे हम, तो दादाजी अभी आ चुके हैं सुबह सुबह, सुबह आ गए थे वो, कि कल रात होगी तो उन्होंने बोला फिर कब आराम करेंगे, कब सामान उतरेगा, तो वो वहीं रुक गए थे। और दादी भी उन्हीं के साथ रुकी थी, अभी भी यहाँ काम ही चल रहा है, अब तो दादी भी करेगी सारा काम, मिल के करते हैं। अभी हम अपना सोफा साफ कर रहे हैं, यहाँ पे सोफा पूरा गंदा हो रखा था ना, अभी साफ कर रहे हैं, इसके अंदर भी कपड़े भरेंगे, कुछ ना कुछ भर देंगे, अब बहुत है। अभी अलमारियों में भी भरने हैं कपड़े, काम है बहुत सारे, जैसे यहाँ पे भी कमरे में काम चल रहा है, वो वाला कमरा हमने सेट कर चुका है ऑलमोस्ट, और इधर किचन में काम चल रहा है। मम्मी पापा देखो इधर से उधर मिल गए हैं, कुछ भी ना बोले बस हूँ करके चले गए हैं, अभी वो बिजी है ना इसलिए काम कर रही। मम्मी किचन की सफाई से जरूरी, तभी खाना बन पाएगा दिन का भी। चलिए हम भी काम करते ही रहते हैं, मिलेंगे आपको थोड़ी देर बाद, अपना काम दिखाएंगे और मैं भी काम करती हूँ, चल दिखाते हैं आपको। पंखा साफ करूँ? ये देखिए हमें पंखा साफ करने का काम दे दिया गया है, ये कितना ज़्यादा गंदा हो रहा पंखा। अरे आदि पकड़ो पकड़ो आराम से, तुम पकड़ो मैं साफ करूँगा, जल्दी पकड़ो। देख लो उल्टे काम हो रहे फिर से, मैंने कैसे फंसा दिया इसको। चलिए हम इसे साफ करते हैं, आपको दिखाते हैं हमने कैसे साफ करेंगे इसको। ये देखो, ये देखिए साफ कर दिया हमने, अब इतना गंदा था अब इतना साफ करा है, इस प्लेट को देखो कितनी साफ हो गई ऑलमोस्ट। चलिए करते हैं साफ। और हेलो फ्रेंड्स, तो आज तारीख है 14 जून, और अभी भी ना मैं ब्लॉग शाम से बना रही हूँ, क्योंकि ना कल भी बिल्कुल बिजी थे, क्योंकि होता है ना कि हम पैकिंग में इसमें बहुत ज़्यादा बिजी थे और थकान भी बहुत ज़्यादा लगी थी, तो टाइम नहीं मिला। और आपको आवाज़ भी थोड़ी सी कम आई, क्योंकि यहाँ पे ना रोड है तो रोड पे गाड़ियाँ चलती रहती है, तो उसके कारण आवाज़ पे थोड़ा सा वो प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पर ये हमारा रूम जहाँ पर हम रहते हैं, कह रहा है मुझे दिखाओ ना, मुझे दिखाओ ना। हाँ उधर अब हम शाम को ना थोड़ा सा घूमने जा रहे हैं, दोपहर को तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, बिल्कुल सच रहा है धूप से, और शाम को बहुत अच्छा मौसम हो गया है इस टाइम पे, एकदम ठंडी ठंडी हवा चलती है, गाड़ी की आवाज़ें पता नहीं आपको आवाज़ आएगी नहीं आएगी मेरी मुझे। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर ना बहुत ही खूबसूरत बगीचा है इधर साइड में, ये देखो, और इसमें ना इस बगीचे में ना ढेर सारी ना लीचियाँ लगी हुई हैं, तो ये जो हमारे मतलब मकान मालिक है ना तो उनकी है, ये देखो यहाँ पर पूरे बड़े बड़े लीची के पेड़ हैं, ये देखो खूब सारे में लीचियाँ भरी हुई, आम के हैं, मतलब पूरा बगीचा है ये, वहाँ पे देखो
और कितनी अच्छी हवा चल रही है, आप देख ही रहे होंगे। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर वैसे, बट यही है कि गाड़ियों का शोर बहुत ज़्यादा आता है। तो इधर हम खेतों की तरफ घूमने के लिए आए हैं, ये देखो दूर दूर तक खेत है ना, तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम घूम घाम के आ गए हैं और बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बाहर ना बहुत ज़्यादा तेज तेज हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो बाहर बैठ के अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए आदी अंशी और मम्मी ऊपर हैं और पापा जी बाहर बैठे हैं, ऊपर मतलब छत में हैं, तो वहाँ पर छोटी सी बच्ची है अनवी, तो उसके साथ खेलते रहते हैं और अच्छा लगता है। मतलब इस तरह की छत पूरी खाली है ना ऊपर वाली, तो वहाँ पर वो शाम को अच्छे से, अभी कल भी वहीं खेल रहे थे, आज भी वहीं खेल रहे हैं शाम को, तो अच्छा है, सही है। थोड़ा सा मतलब बच्चों का भी साथ होता है तो मन लग जाता है। तो और यहाँ पर सभी मतलब गढ़वाली और कुमाऊनी लोग ज़्यादा हैं, तो अच्छा तो लग रहा है, बट जो अपने घर की बात होती है ना तो वो अलग होती है, क्योंकि हम अपने घर छोड़ के भी आए हैं और अपने घर में और रेंट के घर में थोड़ा फ़र्क तो होता ही, कहाँ मतलब हमारा पूरा बड़ा घर था तो थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, क्योंकि सब जगह हर चीज़ हर जगह नहीं मिलती, पर ठीक है मतलब अच्छा है, यहाँ पर भी अच्छा ही है, मिल गया मतलब सही मिल गया हमें यहाँ पर। आगे भी अपने गाड़ी वगैरह के लिए जगह है और बच्चों के लिए खेलने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर आसपास माहौल भी अच्छा है, मतलब ऐसे जैसे कि पास आस में ये इधर बगीचा है तो खुला है, मतलब वातावरण अच्छा है कुल मिलाकर। बस एक ही दिक्कत है कि यहाँ पर सामने जो मेन रोड है ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है तो उसका शोर आता रहता है, तो जो मेरा थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा दिक्कत का कारण बन सकता है, बाकी सब अच्छा है। और अपने घर की तो याद आती है क्योंकि इतने साल वहाँ पर गुजारे हैं, तो अच्छा मतलब थोड़ा होता है ना मन में कि घर का भी थोड़ा मन याद आती है, और ये होता है कि अभी हमारा घर में होते तो ऐसे थोड़ा सा लगता है। तो मतलब अचानक ही आना हो गया, क्योंकि रावत जी का भी काम यहीं पर हो गया था, तो हमने सोचा कि फिर अब कोई यहाँ कोई वहाँ अलग अलग हो रहा था इस तरीके से, तो इसलिए हम अचानक से ही यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। और अब बच्चों का भी स्कूल वगैरह देखेंगे यहीं पर, तब बच्चों का तो मन लग रहा है क्योंकि उनको तो क्या है खेलने कूदने को जहाँ भी मिल जाए वहाँ मन लग जाता है, तो इसलिए एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। तो अब मैं भी खाना बनाऊंगी रात का और डिनर बनाने की तैयारी करती हूँ। और अभी कुछ समझ में भी नहीं आना ब्लॉग में भी कुछ, क्योंकि होता है ना सामान कुछ ना कुछ इधर उधर एडजस्ट करना होता है, इधर सामान तो ऐसे ही चल रहा है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का करती हूँ एंड, और मिलूंगी मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल पर बने रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थोड़ा बहुत ऐसे ही बनाया है हमने, कल से बना रहे थे, थोड़ा अंशिका नहीं बनाया था क्योंकि मैं तो काम में उलझी हुई थी ऐसी, तो देखते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें यहाँ पर, उसके बाद ही प्रॉपर अच्छे से ब्लॉग बना पाएंगे उम्मीद करते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड, मिलूंगी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।